أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Nanara teacher HS Kaslu delivering a lecture for class 10 subject is English topic is grammar तो grammar में जो पहला part है that is matching verbal phrases with their meanings एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में थर्ड सेक्शन है पहला जो बुक का टेक्स्ट बुक है उसके बाद जो राइटिंग स्किल्स है एंड नाउ इट्स ग्रामर तो ग्रामर का पहला जो पार्ट है हमें जो एग्जाम्स बोर्ड्स में हमें एग्जाम्स में लिखना है वो वही वैसे मैं आपको बता रही हूँ तो दैट इज़ मैचिंग वर्बल फ्रेजेज विथ देयर मीनिंग्स तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा दैट इज़ मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी कि फ्रेजेस दिए होंगे कॉलम ए में तो उनकी मीनिंग्स कॉलम बी में दी गई है तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग को मैच करना है एग्जैक्ट वर्ड से एग्जैक्ट मीनिंग मैच करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कुछ ऐसे वर्ड्स है जब आप उनकी मीनिंग निकालोगे तो आपको नहीं मिलेगा इसमें आप सोचोगे कि नहीं इसमें वो मीनिंग है ही नहीं क्योंकि ये डिफरेंट है कुछ बट ये आपको पहले याद रखना है कि ये फ्रेजेस है एज अ फ्रेजेज ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो फिर जो इनमें से आपको बिल्कुल एक्यूरेट और सही लगे इसका आंसर वही आपको मैच करना है तो फर्स्ट इज ड्रॉ ऑन दैट इज अप्रोच फॉल बैक टर्न बैक कॉल ऑफ टू कैंसल होल्ड अप टू इन्वेस्टिगेट गो इन टू होल्ड अप टू हाइड गो इन टू इन्वेस्टिगेट ऐसे ही दूसरा ये एग्जांपल मैं आपको दूंगी दैट इज़ ये इसमें वर्ड्स दिए गए हैं तो इसमें इनकी मीनिंग्स दी गई हैं तो फर्स्ट इज़ रन डाउन रन डाउन इज मीन्स क्रिटिसाइज स्टैंड फॉर टू सपोर्ट लेट डाउन फेल टू हेल्प गो डाउन टू फॉल मेक इट अप टू एंड अ करल ठीक है तो ये थे इसके मैचिंग वर्बल फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स की कुछ एग्जांपल्स कल मैं इसके और एग्जांपल्स आपको बताऊंगी तो मैं ये बहुत देर तक इस पे रखती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको नोट भी अगर करना चाहोगे तो नोट भी कर सकते हो तो इंशाल्लाह कल हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको एग्जाम्स में आती हैं बेसिकली वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अल्लाह हाफिज़ थैंक यू